नमस्कार दोस्तों, मैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई लैपटॉप है, जैसे कि मेरा ये है, तो इसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपने किसी अपने लैपटॉप में कोई चार्जर कनेक्ट कर लिया, तो चार्जर कनेक्ट करने के बाद वो अर्थिंग मारने लगता है, यानी आपने उस पर हाथ रखा तो वो करंट मारता है। हो सकता है आपके लैपटॉप में ऐसा हो ना हो, पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में हो भी सकता है। तो उसका कुछ कारण पता लगाएंगे कि मैंने जो मेरा लैपटॉप है, ये वाला एसर का लैपटॉप है और ये अच्छा खासा, तो ये लैपटॉप मेरा मेटल बॉडी का है, एसर का प्रेडेटर लैपटॉप है। तो एक्चुअली इसकी जो पूरी बॉडी है, ये तो खैर प्लास्टिक है, लेकिन ऊपर का यहाँ से लेकर ये टोटल पूरा मेटल है। तो जब भी मैं क्या करता था, अपना लैपटॉप जो है कनेक्ट करता था चार्जर से, जैसा कभी चार्जर से कनेक्ट ये है, तो इसमें यार करंट मारता था। अभी तो फिलहाल नहीं है, तो उसका क्या सॉल्यूशन किया मैं आपको टोटली करके बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका जो लैपटॉप है पूरा का पूरा, जो इसके पीछे के स्क्रू थे, पूरे खोले। खोलने के बाद उसमें अंदर एक चोर दिखाई दिया। क्या चोर था वो आपको खुद देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं लैपटॉप पूरा खोल लिया था और ये देखिए, ये है चार्जिंग कनेक्टर। यहाँ पे बेसिकली चार्जर लगता है, ठीक है। तो जब मैं इसको बाहर निकाल के देखता हूँ, तो उसके अंदर के जो नीचे के साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका जो टेप था वो ये नीचे जो पिन है मेटल की, इसमें कनेक्ट हो रही थी। पूरा का पूरा ये मेटल का है, तो पूरा अर्थ से डायरेक्ट उसी में पिन में जा रहा था। ये नीचे पिन है, आप देख सकते हो नीचे साइड में जो नीचे पिन है लैपटॉप में, वो यहाँ से, और यहाँ पर जो टेप था वो धीरे धीरे कैसे भी करके साफ करते वक्त पिछले वक्त हट गया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा जो टेप लेके यहाँ पर उसमें टेप लगा दे रहा हूँ। टेप लगने से नीचे की जो पत्ती है, इससे इसका कनेक्शन पूरा टूट जाएगा। और ये जो लोकल टेप अपना घर पर ही था वो लगा दिया मैंने। अब मैं इसको जहाँ पर जैसी थी वैसी इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी प्रकार की कोई और ज़्यादा कोई परेशानी हो। तो मैंने खुद ही अपना घर पर रिपेयर कर लिया। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मली है। जहाँ भी जैसी भी आपको लग रहा है आपको मेटल से कनेक्ट हो रही है कोई चार्जर वाली चीज़, तो आप उसको आराम से यहाँ पर कनेक्ट करके जैसा था वैसे ही फिक्स कर देना। और अपना जैसा लैपटॉप आपने खोला था, आप उसको ऑटोमेटिकली जैसे भी आपने खोला था, ऐसे उसको बंद कर देना, सिंपल। तो ये चीज़ आपको फिक्स करने के बाद हो सकता है आपकी 90% आपकी जो भी चार्जर की या जो भी इशू था वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। मैं अपने लैपटॉप से देख के मुझे यही लगता है कि ज़्यादातर सबके में यही इशू रहता है। तो आप अपनी जो चार्जिंग कनेक्टर है वहाँ देख लीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई मेटल की प्लेट होगी वो उससे कनेक्ट हो रही होगी, इस वजह से पूरा का पूरा जो लैपटॉप है वो आपका अर्थिंग ले रहा है। कि मान लीजिए आप बैठे हो, खड़े हो, ज़मीन पर पैर हैं आपके और आपने हाथ रखा तो आपके हाथ में करंट आ रहा है, तो इसका ये कारण चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसमें खुद खोल सकते हैं तो खुद खोल लीजिए, नहीं तो किसी टेक्नीशियन के हेल्प ले सकते हैं आप। वैसे लैपटॉप खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च कीजिए, अपना जो भी लैपटॉप का मॉडल वगैरह होता है वो आप वहाँ पर डाल के उसको खोल सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, चार्जिंग का कनेक्टर जो वगैरह था जो मैंने आपको दिखाया था वो वहाँ पर टका पड़ा था। खैर जो भी हो, अब मेरा लैपटॉप बिल्कुल फाइन है, अगर किसी प्रकार से कोई करंट बिल्कुल नहीं मार रहा है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नाराज हैं मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई, तो प्लीज़ आई एम सॉरी अगेन। आप जो भी अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अगर दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ज़बरदस्त वीडियोस लाते रहता हूँ जो दूसरे यूट्यूबर वगैरह नहीं लाते। मिलता हूँ उसे नई वीडियो, तब तक के लिए जाए दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।